ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बहरीन के इसराइल के साथ संबंध सामान्य होना फलस्तीन के दबे और वंचित लोगों के इतिहास की स्मृति में बना रहेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी बहरीन के कदम की निंदा की और इसे फलस्तीन की जनता के साथ विश्वासघात बताया। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन के शाह हमद बिन अल खलीफा के साथ बात की है। इस बातचीत के बाद तीनों नेताओं ने एक 6 पैराग्राफ का संयुक्त बयान जारी किया जिसमें इस डील का ऐलान किया गया। बहरीन इसराइल डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि आज एक और ऐतिहासिक सफलता। अब जब कई देश इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर रहे हैं, हमें भरोसा है कि क्षेत्र और अधिक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध होगा। ट्रंप एक सप्ताह बाद ही व्हाइट हाउस में यूएई और इसराइल के बीच डील को लेकर एक समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। बहरीन के विदेश मंत्री भी इस ऐतिहासिक समारोह में मौजूद रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच गुरुवार को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते की कड़ी निंदा की है, साथ ही इसे सभी मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने करार दिया है। सरकारी टीवी ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में यह बताया कि मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ईरान ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के खतरनाक और शर्मनाक कदम बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते की कड़ी निंदा की थी। ईरान ने इस डील को सभी मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपना करार दिया था। ईरानी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ईरान ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने को खतरनाक और शर्मनाक कदम बताया है।